जी, तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, तो फिर मेरा जवाब सिंपल है, मैंने इस्लाम छोड़ा आयशा के लिए, क्योंकि नहीं, जो उस बच्ची के साथ हुआ है आप है मेरे। ना, एक मिनट, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप ये कह रही थी कि आप अपोस्टेड प्रॉफिट का आप वीडियोस देखती राइट थी राइट और राइट आप राइट सोचती थी कि नहीं, ये गलत कुछ बता रहे, इस यहाँ से आपने, यहाँ पे आपने ये किया था। राइट तो मैं पहले अपोस्टेड प्रॉफिट का वीडियो देखती थी और मुझे लगा कि वो काबा के बारे में बहुत गलत बताया, मुझे खुद तंजीला यकीन जी, नहीं हो रहा था। आज मैं जी आपको बोलने देने ही नहीं वाला हूँ। क्यों? 1000 अच्छा, तो हो वन गया थाउजेंड ट्वेंटी ये। वन यस, यस, थैंक रिकॉर्ड, यू सो मच अ गाइस। रिकॉर्ड, यस मसूद, पहला पड़ाव पार हो चुका है यस, बिना अल्लाह के थैंक्स अ नाम लॉट लिए। एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। ये हमारे चैनल का पहला एक रिकॉर्ड है, 1032। चलो देखते हैं 1500 तक जाता है क्या। थोड़ी मांग ज्यादा हो गई, लेकिन आप लोगों से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। बैम्बू जी कह रहे हैं $2 का कंट्रीब्यूशन, बैम्बू जी का, आई एम अ न्यू फैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक्स अ लॉट बैम्बू जी। और अच्छा लग रहा है कि दुनिया के अलग अलग कोने में से लोग हमको देख रहे हैं। दोस्तों चलिए, अब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, आई एम रियली सॉरी गाइस। नहीं नहीं तंजीला जी नहीं आप कंटिन्यू करिए। जी, तो हाँ, अपोस्टेट प्रोफेस। तो उसके बाद मैं उनका देखने लगी वीडियो, एक वीडियो देखा मैंने जो साइंटिफिक मिस्टेक्स इन कुरान, और छोटे से जो बचपन से हम लोग सुनते हैं कि कुरान में बहुत सारा साइंटिफिक रेवलेशन है, लाइक पोक क्यों हराम है क्योंकि उसमें कीड़ा होते, बैठ के पानी पी क्यों पीते क्योंकि वो बेटर जाता है पेट के अंदर, लाइक ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, ऑल्सो कि बिग बैंग वॉज डिस्कवर्ड इन कुरान। तो जब ये वीडियो देखा मेरा तो मतलब मैं अंदर से हिल गई थी। आई वॉज लाइक नो, क्योंकि मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम, देखिए मैं काफी प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मुझे अगर कोई चीज काम कर रहा है मैं देख रही हूँ कि हाँ ये इट मेक सेंस, अगर ये लॉजिकली मुझे समझ में आता है तो तभी मैं मानूंगी। तो मैं साइंटिफिक एरर्स इन कुरान जब मैं वीडियो देखने लगी, मैं ना क्रॉस रेफरेंस करने लगी, और मैं वो लाइन छोड़कर ना उसके पीछे का आगे का कॉन्टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। तब जी मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा तो गड़बड़ है, कुछ तो है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आई थिंक 2002 में किसी इमाम ने सऊदी अरबिया में बोला था कि कुरान को हम लोग साइंटिफिक बुक के हिसाब से नहीं पकड़ेंगे, उसको पूरा आइडियोलॉजी या रिलीजियस बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो वो बात सुन के मैं थोड़ी सी कंफर्म हो गई कि नहीं, इवन इमाम सेज कि वो इस्लाम साइंटिफिक नहीं है, वो वे में नहीं लेके जाते। सो आई वाज लाइक ठीक है, वो इट्स नॉट साइंटिफिक, सो आई एनीथिंग साइंटिफिक आई वोंट बिलीव इट। बट वो होता ना बचपन का हर एक बात। अब ना मैं पापा से पूछने लगी कि पापा हम लोग छोटे में सीखे थे बिग बैंग है, बट अभी तो आप ये देखे। तो पापा भी मेरे साथ बैठ के आराम से 1-2 घंटा हम लोग डिबेट करते थे, रोज डिबेट करते थे मम्मी के सामने। मम्मी मम्मी को भी जो पता था, मम्मी भी हेल्प करती थी, लेकिन मम्मी कभी हम लोग के बात में ध्यान नहीं देती थी। तो हुआ क्या, उसके बाद ना मैं स्कूल में भी काफी सुनती थी कि यू नो मोहम्मद 6 साल की लड़की को शादी किया, एंड आई एम लाइक नो, क्योंकि मैंने तब तक हदीस नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था, तो मैं कुरान में नहीं लिखा था, तो फिर मैंने नहीं माना। लेकिन जब मैं और भी फिर अपोस्टेट प्रॉफिट के बाद डेविड वुड का वीडियो देखने लगी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसको सपोर्ट कर रही थी। मैं एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही थी जिस टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, बचपन में चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज हो चुके हैं। तो उसके कारण मैं कभी भी अपने जिंदगी में आज तक कभी भी एक ऐसा ऐसे इंसान को सपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत आइडियलाइज तकलीफ करना तो हुई दूर की बात है। तंजीला जी, बहुत तकलीफ हुई इस बारे में सुनकर आपकी बात। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि यानी कोई मौलवी की तरफ से तो नहीं था ना, ताकि मतलब एक नहीं जी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, जी क्योंकि जी बहुत जी से बार ऐसा जी होता है कि अगर चाइल्ड अब्यूज सुनते हैं तो एक लोगों को आ जाता है कि राइट, शायद वर्ड किसी ट्विस्ट कर इमाम ने या लेते हैं मौलवी ने किया। तो वो आप एक राइट। बार क्लियर कर दीजिए, हाँ अगर मौलवी ने किया है तो वो भी बता दीजिए, अगर मौलवी ने नहीं किया है
तो वो भी बता दीजिए ताकि मैसेज क्लियर रहे। राइट, क्लियर हो जाए। तो फिर मैंने पहले भी बताया मैं बाजी से पढ़ी हूँ, तो बाजी घर पे आती थी वो पढ़ाती थी, तो मौलवी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है गाइस। लेकिन मेरे मैं जॉइंट फैमिली से थी, तो फिर मेरे खुद के कजिन ब्रदर्स ने, ब्रदर्स मल्टीपल ब्रदर्स ने मेरे साथ किया था चाइल्ड अब्यूज, बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज फ्रॉम आई वाज एज 5 टिल आई वाज 12, तो 7 साल या बहुत बहुत बहुत। और मैं जॉइंट फैमिली में थी, तो फिर एज बच्चे, जब ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब सेक्सुअल असॉल्ट एक बच्चे के ऊपर होता है ना, वो अब्यूजर उनको पूरे तरीके से गलत फील करवाते कि उन्होंने कुछ गलत किया, उनका ये सीक्रेट है, अगर वो किसी और को बोले तो उनको पहले पकड़ेंगे। ये बहुत सारी गलत थिंकिंग मेरे दिमाग में थी उस टाइम। और जैसे ही मेरा एज 12 एज इन लाइक मैं प्यूबर्टी हिट की, तब दे गॉट फ्रीक्ड आउट, बिकॉज उन लोग को भी उतना पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट अबाउट फीमेल, अबाउट प्यूबर्टी एंड पीरियड, तो वो लोग खुद मुझसे दूर होने लगे अपने आप ही। और जब मैं हेलो हाँ बोलिए बोलिए हेलो आवाज कट गई। हाँ बोलिए बोलिए, अभी आ रही है आपकी आवाज। कहाँ तक सुनी, कहाँ तक सुनने मिला? वो आप प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो आपसे दूर जाने लगे। राइट, तो प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो लोग हमसे दूर जाने लगे, क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं पता था कि ये क्या होता है, ये नेचुरल है या अननेचुरल है, व्हाटएवर। तो तब तक भी मैं चुप, मैं किसी को घर पे नहीं बताती थी। मेरी बहन, जो मेरी एक कजिन बहन थी, उसको इस बात का भनक थी, लेकिन उसने, क्योंकि उसका खुद का भाई इन्वॉल्व था, तो उसने भी कुछ नहीं किया मेरे लिए। और जब मैं 16 साल की थी, तब मैं ओपनली अपने मम्मी पापा को बोल सकी कि यू नो मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में, मेरी बहन वो भी देखी। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली थैंक गॉड एक चाचू थे जिसने गलती से देख लिया था, और वो भी अपने मुंह बंद रखे थे बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। तो उस हिसाब से मैं वो जॉइंट फैमिली से छोड़ के मैं अपने मम्मी पापा को लेकर, हम लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं बेसिकली। जी कुछ मैं सुपर चैट्स ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा मौका दे देता हूं। नीरज सिंह जी ने 2000 रुपीस का सुपर चैट भेजा है, थैंक्स अ लॉट नीरज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 2000 जो इन्होंने किया है वो 1000 प्लस की बधाई में हमें दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि नीरज सिंह जी अगर आप देख रहे हैं तो 1150 यानी 1151 लोग देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम शायद 1500 का भी मार्क क्रॉस करें, सबका सपोर्ट रहा तो देखते हैं कैसे होता है। और श्रीकांत कुंभार जी ने 40 रुपीस का कंट्रीब्यूशन, एक साथ 5 डिवाइस पे चलाया मैंने इतना सपोर्ट श्रीकांत कुंभार जी, जबरदस्त यार, बहुत बहुत जबरदस्त। और एक दो सुपर चैट से वो भी मैं ले लूं, फिर आपको पूरा मौका दे दूंगा मैं। कट्टर हिंदू जी ने $2 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेन को इस कल्चर को सपोर्ट बंद करना चाहिए, मेरे ख्याल से चाइल्ड मोलेस्टेशन की बात कर रहे हैं कट्टर हिंदू जी को, हिंदू जी शायद, एंड आई अग्री विद हिम टोटली। आई थिंक वुमेन भी बहुत जिम्मेदार है ये सब होने के लिए, क्योंकि वो लोग भी चुप रहती है, वो लोग भी किसी को बोलना नहीं चाहती है, वुमेन भी काफी जिम्मेदार है ये सब के लिए। जी अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक क्लियर कर दूं कि इसको ये जो इंसिडेंट है, यानी खास करके जो अगर मैं तंजीला जी के इस इंसिडेंट की बात करूं, तो इट्स नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन, नो, नॉट एट ऑल। हाँ, तो सी गाइस, टू बी क्लियर, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इस चैनल के जरिए से जाए, सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, एंड आई वॉन्ट टू बी डैम ऑनेस्ट, यू नो, whenever we see anything. तो दो she is Muslim and दो ये उनके साथ इतना दर्दनाक incident हुआ, लेकिन उन्होंने भी confirm किया it's not related to religion. Okay? ठीक है, सही कह रहा हूँ? Right, एकदम एकदम। जी
और एक एक सुपर चैट आया था, वो मुझे दिख नहीं रहा ये वाला पढ़ दो, ये वाला सुपर चैट पढ़ो इंडियन एग्नोस्टिक का। हाँ, इंडियन एग्नोस्टिक जी ने भी एक सुपर चैट 1,000 रुपीज का भेजा था और मसूद ने हाईलाइट किया था लेकिन मैंने रीड नहीं किया उसको। फर्स्ट एक्स मुस्लिम चैनल फ्रॉम इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू क्रॉस 1,000 लाइव व्यूअर्स, कॉन्ग्रेट्स टू इंटायर टीम। या वी आर द फर्स्ट इंडियन एक्स मुस्लिम चैनल टू क्रॉस 1,000 व्यूअर्स, लाइव व्यूअर्स, कॉन्करेंट व्यूअर्स। तो कांग्रेस टू एंटायर टीम एंड प्राउड टू बी अ मॉडरेटर ऑफ दिस चैनल। नीरज सिंह जी ने अच्छा 1,000 का उन्होंने और किया है, ये तो हमने ले लिया था, ये पहले का है मसूद, ये हमने ले लिया था। मनोहर बैट जी चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर जी। दुर्लभ त्रिवेदी जी $4.99 का इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है चैनल को। और बिना मिस किए मैं एक्स फेबियन सोशलिस्ट जी ने भी फिर से 449 का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वाइल्ड फायर जी को भी मिस नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने भी कॉन्ग्रेट्स भेजा है, बहुत बड़े हमारे प्रशंसक है ये, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, और हमेशा इनका सपोर्ट आते रहता है। तो कॉन्ग्रेट्स साहिल एंड मसूद, थैंक्स अ लॉट वाइल्ड फायर जी। और मैं कह दूं कि सिर्फ साहिल और मसूद नहीं है इस चैनल में, बल्कि गालिब भाई भी है, और मैं समझता हूँ कि गालिब भाई भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके वजह से हम आज चैनल का जो ग्रोथ हो रहा है, उनकी जो लॉजिकल डिस्कशन होता है मोमिनों के साथ, मैं समझता हूँ वो भी बहुत बड़ी वजह है। और उसके बाद जो एडम हमारे साथ जुड़ते हैं ओपन लाइव स्ट्रीम में, मैं समझता हूं कि वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज हम इतने सारे रिकॉर्ड्स हम पहुंच रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, चुलबुल जी है जो कि अभी कुछ पर्सनल काम के वजह से वो स्ट्रीम में नहीं है शायद, तो वो भी है इंडियन एग्नोस्टिक है। और उसके बाद काफिर बनो जो आपको इसमें दिख जाएंगे चैट में, वो भी हमारे जो कोर टीम मेंबर में से आते हैं। इवॉल्विंग अब्दुल्ला जी है और शहंशाह खान है, एंड डेफिनेटली शहंशाह खान ने आज पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, और शहंशाह खान ने मुझे मैसेज भेजा था थंबनेल बनाने के बाद कि आज हम 1K क्रॉस करने वाले हैं, और शहंशाह खान जी का जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही था। तो ये सब लोग इन्वॉल्व है इस चैनल को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें सब इन्वॉल्व है, सिर्फ साहिल या मसूद की मेहनत नहीं है, सभी लोगों की मेहनत है। इंडियन एग्नोस्टिक जी पूछ रहे हैं, तंजीला जी, व्हाट्स द एज ऑफ दैट गाय हु डिड दिस, मतलब जब ये किया था तो उसकी एज कितनी थी? मेरे भाई लोग मुझसे 6-7 साल बड़े थे, तो वो लोग 11-12 एज थे जब स्टार्ट हुआ, और तब मैं 5 साल की थी, और जब मैं 12 साल की हुई तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। बिल्कुल, रोशन लाज जी ने 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, अल्लाह निराकार है तो उन्होंने दुनिया कैसे बनाई। अब ये इसमें रोशन लाज जी एक्चुअली इस्लाम की जो अच्छा वाइल्ड फायर जी ने 179 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट वाइल्ड फायर जी, एंड ही सेइंग कांग्रेट साहिल एंड मसूद, कीप अप द गुड वर्क। अच्छा, इनका जो सवाल था पहले वाला, सिंघी काया जी ने 500 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। चंद्रकांत यादव जी ने 101 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत यादव जी। मैं ये कह रहा था कि इसमें जो निरंकार वाली जो बात है, तो इसमें डिफरेंस ऑफ बिलीफ है मुसलमानों के अलग अलग फिरकों में। कोई कहता है कि अल्लाह का कोई शेप नहीं है, यानी अल्लाह का कोई आकार नहीं है, और कुछ कुछ जो फिरके हैं उनका ऐसा मानना है कि अल्लाह के हाथ भी है, अल्लाह का चेहरा भी है, पर उनका मानना ऐसा है कि हमें नहीं पता कैसा है लेकिन है, और अल्लाह ने अगर बताया है तो हमें वो मानना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। अच्छा, साइबर सिपाही भी देख रहे हैं शायद हमारे इस वीडियो को। मसूद, आई होप कोई सुपर चैट हमने मिस नहीं किया है, सुपर चैट या सुपर स्टिकर, तो मैं आगे फिर बात बढ़ाऊं। हाँ, आप बढ़ते रहिए, अगर मिस हो गया रहेगा तो हम नेक्स्ट स्ट्रीम में ले लेंगे। हाँ, लास्ट में हम एक बार चेक कर लेते हैं ना, बाद में मैं चेक कर लूंगा। ठीक है ठीक है।
चलिए तंजीला जी आप कंटिन्यू करिए, आई एम सॉरी कि मैं आपको बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं 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 इट्स ऑल राइट। तो हाँ मैं डेविड वुड की वीडियो देखने लग गई, तो उसमें से मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गई थी दैट देयर इज नो वे मुस्लिम्स कैन गेट अवे विद दिस, कि आयशा की एज 6 थी और वो 9 ईयर्स की थी जब उनके साथ हिंदी में क्या बोलते हैं हम बिस्तरी की थी, राइट? जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। I'm learning। तो हाँ तो फिर वही तो मैं खुद से बात करने लगी कि मैं भी आयशा के पोजीशन में थी एक टाइम पे, का उतनी दर्दनाक नहीं उतना घिनौना नहीं बट मैं थी और मुझे पता था कि मतलब एक कैसा लगता है एक 9 साल की बच्ची को जब उसके साथ ऐसा होता है, उसको कुछ पता नहीं रहता है पहली बात, उसको नहीं पता ये क्या होता है, उसको नहीं पता क्या करना पड़ता है, क्या है ये, इसका अहमियत क्या है। और उसके वो जानने के बाद मैं पूरी अपने दिल में कंफर्म थी कि इस्लाम इज नॉट द रिलीजन फॉर मी, और ना ही सिर्फ वो टॉपिक में, मैं फिर क्रिश्चियन प्रिंस को देखने लग गई। क्रिश्चियन प्रिंस के मैं एक्चुअली क्रिश्चियन प्रिंस की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने उनका हर एक वीडियो देखा, मैं उनका वीडियो लेके जाकर अपने मॉम डैड को दिखाती हूँ कि आप लोग भी देखिए आप लोग भी समझिए व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, एंड वो लोग कभी अग्री करते थे कभी डिसअग्री करते थे, लेकिन फॉर श्योर मैं 1 साल हो गया, मैं अभी 21 साल की हूँ, 1 साल हो गया जो मैंने छोड़ दिया। जी 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 मैं सुन रहा हूँ आपको, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यानी एक तो एक ये वजह बनी आपकी कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, और उसमें आपने आयशा की जो एज थी निकाह की या शादी की या यू नो शादी और उसके बाद जो रुखसती होती है वो एक बहुत बड़ी वजह बनी जिससे आपके जहन में एक डाउट आया, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, यानी तो, आपने तहकीक कैसे की, वो कंफर्म कैसे किया कि वाकई में क्योंकि देखिए कहा यह जाता है कि इस्लाम के जो दुश्मन है वो गलत गलत बातें लोगों में फैलाते हैं, तो आपने इसको वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई कैसे किया, क्या आपने कोई स्कॉलर से राबता किया, या उसके बाद फिर और कौन कौन से बड़े बड़े जो डाउट्स थे जिनकी बुनियाद पे आपने ये कंफर्म कर दिया कि ठीक है अब बस अब मैं नहीं इसको फॉलो कर सकती, ये सही नहीं है? तो जैसे कि मैंने बोला सीपी सबसे बड़ा मीडियम था मेरा लर्निंग का, द रॉन्ग थिंग्स ऑफ इस्लाम, ऑब्वियसली इस्लाम के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो मैं बचपन से सुनती आई थी, लेकिन जो सब क्रिटिक था वो इंटरनेट के आने की वजह से बहुत बढ़ गया, बहुत फैल गया, और यही क्रिश्चियन प्रिंस इज अ लाइफ एग्जांपल फॉर दैट। तो हम लोग देख सकते हैं कुरान 4:11 में जहाँ पर हम लोग आराम से समझ सकते हैं, जो वेरीफाई कर सकते हैं अभी भी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनहेरिटेंस, औरत की प्रॉपर्टी में कितनी हक है, कितना हक मिलना चाहिए, और वो अनइवन है। तो मुझे लोग बोलते हैं कि यू नो कि लड़की का हक वो उसका अपना होता है, उसको पति को देना नहीं पड़ता एंड ऑल दैट, ये सब। तो मैं सोच रही हूँ तो खदीजा कैसे अमीर हुई बिफोर इस्लाम, अगर ये सब नहीं था तो खदीजा हाउ वाज शी सो रिच, उसको तो काफी पैसा मिला था। तो ये नहीं है कि इस्लाम के आने के बाद ही लड़की लोग को प्रॉपर्टीज में राइट्स मिलने लगे, और अगर इस्लाम को भी डेट कर सकते हैं हम लोग उससे भी पहले, अगर हम लोग देखते इजिप्शियन सिविलाइजेशन वुमेन वर एट टॉप मोस्ट, लाइक बहुत सारे राइट्स थे वुमेन को, वुमेन को प्रॉपर्टी राइट थे, वुमेन को डिवोर्स राइट थे। तो जो वो क्लेम है कि इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन टू ब्रिंग अप वुमेन्स राइट इज नॉट ट्रू, जो भी इतना बड़ा क्लेम करते हैं। तंजीला जी आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये समवन जी कह रही है 54 इयर्स वाज अ यंग एज ड्यूरिंग दैट टाइम, यार ये समवन जी आपका लॉजिक आप सोचिए, 6 साल की बच्ची को आप बोल रही है कि ये बड़ी उम्र है, यानी लड़कियां जल्दी जवान हो जाती थी, और अब 54 इयर्स में तो अगर जल्दी अगर आदमी जवान हो रहा है तो जल्दी बूढ़ा भी हो जाएगा। यार समवन जी कितना कितना कोशिश करोगे इस गलत चीज को आप डिफेंड करने का, एक तरफ तो आप बोलते हो कि 6 साल में लड़कियां जो है वो बड़ी हो जाती थी और इसी तरीके से वो फिजिकली भी फिट हो जाती थी, तो अगर जल्दी कोई बड़ा हो रहा है तो फिर बुढ़ापा भी जल्दी आ जाना चाहिए, तो आप सेकेंड साइड जो उसका उल्टा है उसको भी आप कह रही कि यंग एज था।
और ये काफी गलत सोच है कि 9 साल में या 12 साल में भी एक लड़की पूरी तरीके से मच्योर हो जाती है. वो फिजिकली मच्योर होती है आपके डेफिनेशन से, अगर प्यूबर्टी फिजिकल मच्योरिटी है देन यस वो फिजिकली मच्योर होती है, लेकिन वो मेंटली नहीं मच्योर होती है. उसको नहीं पता है कि शादी क्या होता है, उसको नहीं पता है कि सेक्स क्या होता है, उनको नहीं पता कि जिम्मेदारी क्या होता है. वो अभी भी मानसिक वे से अभी भी वो एक बच्ची ही है. तो आप 9 बोलो या 12 भी बोल लो, लेकिन वो राइट नहीं है. और अगर कोई इंसान हु इज सपोज टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैनकाइंड फॉर एवर लाइक इटर्निटी के लिए, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था. और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है साहिल जी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मोहम्मद की कितने बीवी थे, कितने सेक्स स्लेव थे, उन्होंने क्या क्या किया. तो ये बहुत ही तब छोटा मसला हो जाता है. ये बहुत ही एक तो एक पॉइंट है, लेकिन वो हजार में से एक पॉइंट है. जी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए. आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया मैंने. हाँ, तो हम लोग 411 अलाइनमेंट कुरान में देख सकते हैं कि वुमेन की इनहेरिटेंस कितनी कम हो गई थी. उसके बाद हम लोग कुरान में अगर 2:2:2:3 में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया. कितनी गंदी तरीके से कि योर वाइफ्स आर अ प्लेस ऑफ सोइंग ऑफ सीड फॉर यू, सो यू कम टू योर प्लेस ऑफ कल्टिवेशन हाउ एवर यू विश, हाउ एवर यू विश. मतलब ये सब सुन के एक कोई भी लड़की का दिमाग खोलेगा साहिल जी. अगर आप ये वाले पैराग्राफ से ना अगर आप कुरान इक्वेशन हटा दें, कुरान में लिखा हुआ है या मोहम्मद ने लिखा हुआ है, तो आज की कोई भी फीमेल ये एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल. ये तो आप उन जो मुस्लिम महिलाएं हैं आप उनसे सवाल करिए. उनको ये सब चीज सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कहा है हमारे बारे में, उनका सहन कैसे खुलेगा. तंजिला जी जी, ये तो अब टू बी ऑनेस्ट दिमाग की बात है. अल्लाह ने मुझे आधा दिमाग दिया, मैं उसमें से इतनी बढ़ गई हूँ, तो आगे आप ही देख लीजिए क्या क्या कर सकती हूँ. तो और भी कुरान में वर्सेस मिलते हैं, लाइक कुरान चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 1-4, वहां पर हम लोग को मिलता है कि जो पीरियड्स का बात होता है डिवोर्स का, कब किसके लिए कितना महीने का डिवोर्स का पीरियड है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है दोज हु हैव नॉट मेंस्युरेटेड. तो अब इसको कैसे ट्विस्ट करते मुस्लिम लोग, इसको बोलते कि अरे जिन लोगों को कभी हुआ ही नहीं है, जिन लोगों को कभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा तो तफसीर में क्या कहते हैं, तफसीर में ये क्लियरली लिखा हुआ है फॉर मैरिंग वन यंग चाइल्ड. और इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि मोहम्मद ने खुद यंग ब्राइड को मैरी किया था, तो उसको भी पता था कि एक रूल फॉर द गर्ल्स हु हैव नॉट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसको भी लागू करना होगा, तो इसीलिए उन्होंने किया. एज सिंपल एज दैट. इसमें कोई इफ बट एक्सेप्शन नहीं है. अगर एक्सेप्शन होता तो काफी क्लियरली समझ में आता, लेकिन हम लोग तफसीर जलालीन से भी समझ सकते हैं कि वो एक्सेप्शन नहीं था और वो बच्चे लोग की बात कर रहे थे. फिर हम लोग बीटिंग, वुमेन के वाइफ बीटिंग काफी मशहूर है इस्लाम में, कोई डिनाई नहीं कर सकता है. ये अरबिक में कहीं भी लाइटली टैप नहीं है, अरबिक में कहीं भी टूथब्रश जो मसवाक कहते हैं उसमें से टैप करना नहीं लिखा हुआ है. अरबिक में काफी क्लियरली लिखा हुआ है स्ट्राइक देम, स्कॉर्च मतलब बीट देम. और यही ट्रांसलेशन जो अभी हम लोग पढ़ते हैं उसमें कितना शुगर कोटिंग किया हुआ, कितना गलत चीज लगा हुआ. अब आप पूछते, अगर मैं मुझे कोई पूछ सकता है कि आपको अरबिक तो नहीं पता, आप कैसे कंफर्म करते हैं, तो बहुत सारे सोर्सेस है. और एक्चुअली खुद मुस्लिम स्कॉलर्स भी ये आपको कंफर्म करेंगे कि अरबिक में यही बोलते हैं. और एक्चुअली कोइंसिडेंटली मेरी खुद की एक अरबिक फ्रेंड है जो दुबई में रही थी बचपन से, और उसने काफी अरबिक सीखा था, वो एक्चुअली काफी फ्लुएंट है अरबिक में. उसने तक मुझे कंफर्म किया है कि ये बीट देम है, स्ट्राइक देम है, डजंट मीन लाइटली. और सब बोलते हैं कि वहां पर स्टेप्स है कि पहले बिस्तर से अलग करो, पहले इससे अलग करो. कोई भी स्टेप डज नॉट जस्टिफाई एक वुमेन को बीट करना अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है. आपकी बात अगर नहीं सुन रही है तो आप बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, समझिए डिफरेंसेस आते हैं, वो नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन मानना वो जायज नहीं है मेरे लिए, और ना ही किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान के लिए नहीं होना चाहिए. और उसके बाद हम लोग बहुत बहुत सारे ऐसे हदीथ देख सकते हैं जिसमें मोहम्मद का कैरेक्टर काफी काफी गंदे तरीके से पोर्ट्रेट किया हुआ है. और जब मुस्लिम लोग को ये पूछते हैं तो
डाइव है, दिस इज डाइव, इट्स फेक. तो आई वाज लाइक अच्छा तो अगर ये फेक है तो आप लोग अगर तो अगर ये फेक है आप बोल रहे कि सही अल-बुखारी जिसमें सही ग्रेडेड है वो अगर आपके लिए दाईफ हदीस है तो ऐसे बहुत सारे किस्से जो आप लोग प्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल मोहम्मद, एक जूश वुमन मोहम्मद के ऊपर कचरा फेंकी, वो ट्रू स्टोरी नहीं है लेकिन आप तब भी उसमें बिलीव करते हैं. आप नमाज कहाँ से पढ़ते हैं? नमाज तो कहीं पर कुरान में नहीं लिखा हुआ है कैसे पढ़ा जाता है कैसे नहीं किया जाता है, ये भी आपको हदीस से मिलता है. तो जब आप इतना कुछ हदीस से लेते हैं, जो चीज हदीस में हम लोग को खटकती है जब हम लोग वो बात करते तब वो दाईफ हो गई. और अगर आपको नहीं पता, सही बुखारी मुस्लिम जो भी हदीस है वो सब एक देयर इज अ बुक और डॉक्यूमेंट्री साइंस बिहाइंड द हदीस, जहां पर हदीस के टेस्टिमनी लिए जाते थे. हदीस के लिए एक हदीस को कंफर्म सही होने के लिए चार आदमी का जरूरत पड़ता है, फिर दाइफ होने के लिए दो या एक, ऐसे करके एक साइंस है. तो ये ऐसे ही कंपाइल नहीं किया गया है, ये टेस्टिमनी लिया गया है, साइंस है इसके पीछे. हर एक हदीस का जो ग्रेड है वो साइंटिफिकली टेस्टिमनी के बाद ये दिया गया है ग्रेड. तो आप इसको दाइफ नहीं बता सकते. और आप यही ये भी नहीं बता सकते कि ये मोहम्मद के बहुत साल बाद लिखी गई है. मोहम्मद के बहुत साल बाद भी लिखे, मतलब 100 साल या 80 साल कोई बोलता है, कोई 200 साल बोलता है, बट जो भी जितने भी साल बाद लिखी क्यों ना जाए, कोई अगर सच्ची में एक नेक इंसान है उसके बारे में इतना बुरा बात नहीं कोई बोल सकता है, कोई एक आदमी नहीं बना सकता. और वो भी क्यों बनाएगा जबकि वो उनके खुद के प्यारे नबी है. आप खुद अपने एक नबी को जो आपको राइट लगता है आप उसके बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं बोलेंगे. तो ये लॉजिकली मुझे तो नहीं समझ में आता कोई क्यों गलत बात बोलेगा, क्योंकि अभी तक क्रिश्चियन ने कभी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट के लिए कुछ गलत बात नहीं लिखा हुआ है. कभी भी क्रिश्चियन बुक्स में आपको कोई भी सोर्स है जो जीसस क्राइस्ट के लिए है या उनके टीचिंग के लिए है, ये कभी भी कहीं से आपको गलत नहीं लगेगी, क्योंकि ये उनके खुद के फॉलोअर्स ने लिखा है. खुद के फॉलोअर्स अपने खुद के प्रॉफिट को गलत नहीं करेंगे, सेम खत्म बात. तो आप कैसे बिलीव करते कि ये गलत है, मुझे तो वो समझ में नहीं आता है. अच्छा उसमें इतने सारे फिल्टर भी तो लगे हैं ना तंजीला जी. एग्जैक्टली कितने सारे फिल्टर्स लगाए, ये मुहद्दिस जो थे इन्होंने कितने सारे फिल्टर्स लगा के उसके बाद टैगिंग इन्होंने किया है कि ये हदीस सही है ये ज़ईफ है. और अक्सर जो एतराज हम करते हैं वो तो यानी मेरे चैनल पे तो हमने जितना किया है सब सही हदीस से ही हमने हवाला दिया है. तो फिर और भी बहुत सारे हैं वुमेन के लिए. अगर आप वुमेन का पोजीशन देखना चाहते हैं तो इस्लाम में इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए, लाइक कुरान चैप्टर 2 वर्स नंबर 228 जहां पर एक लड़की का गवाही मतलब दो लड़की का गवाही इज इक्वल टू वन मैन. और जब इसका हम लोग हदीत पढ़ते हैं तो क्लियरली प्रॉफिट सही अल बुखारी हदीत नंबर 2658 में बोलते हैं कि डोंट यू नो दैट अ विटनेस ऑफ अ वुमेन इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ मैन. तो एक वुमेन बोलती है यस, तो नबी बोलते हैं दिस इज बिकॉज द डेफिशिएंसी इन देयर माइंड. आर यू किडिंग मी? अभी तक जहां तक मुझे पता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देयर इज नो वे कोई बोल सकता है कि एक औरत का दिमाग एक मर्द के दिमाग से कम है. फिजिकली क्या हम कमजोर है? हाँ फाइन दैट इज ट्रू, हम मानते हैं कि फिजिकली कमजोर है, लेकिन मेंटली हम लोग इक्वल है. मेंटली देयर इज नो कॉग्निटिव डिफरेंस between a female and a male, that is just fact. At least there is no recorded, अभी तक science तो prove नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं पता यहाँ पर नबी किस हिसाब से ये बोल सकते हैं. और नबी ने काफी बार बोला है कि women लोग hell में जानी चाहिए, मतलब hell की क्या बोलते हैं prisoners हैं basically. तो इसी कारण मैं काफी sad हो गई थी about listening to how women are treated and stuff. और जब हम लोग को बोला जाता है कि नहीं ये वुमेन का दर्जा बहुत ऊपर है, माँ के पैर में जन्नत है, ये वो ठीक है, ये सब है, मैं पूरे तरीके से इसको गलत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा वर्सेस है जहां पर मोहम्मद अच्छे तरीके से वुमेन लोग को ट्रीट नहीं करते थे. और ये बस किसी को सुनना नहीं है, किसी को समझना नहीं है, बस वही है साहिल जी बात जी. बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. और मोस्टली जो आपने पॉइंट्स रेस किए हैं वो फीमेल पर्सपेक्टिव वाले जितने पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए. राइट, स्लेव्स के बारे में शायद आपने नहीं कहा है, मतलब जो जिस तरीके से उनके साथ
बर्ताव होता था या स्लेव बनाना और उनको फिर बांटना, उनके साथ सेक्स करना, फिर बेचना, मुझे लगता है कि आपने ये मिस कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, हम लोग ने पहले भी स्ट्रीम में ये डिस्कस किया था वो मोमिन भाई के साथ, और वहीं से हम लोग को काफी, आपके स्ट्रीम से काफी हदीस हम लोग वहां से भी देख सकते हैं कि कितना स्लेवरी वॉज प्रिवेल्ड इन इस्लामिक स्टोर्स। जब बोलते हैं कि मोहम्मद स्लेव्स को फ्री करते थे, बिलाल फ्री नहीं हुआ था, बिलाल वॉज नॉट फ्री इवन आफ्टर मोहम्मद डाइड, दैट इज नॉट ट्रू, बिलाल वॉज नॉट फ्री। और ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम लोग सही बुखारी 873-182 और सही अल बुखारी 6161 में देख सकते हैं मोहम्मद कैसे ब्लैक स्लेव कैमल राइडर थे। वहां पर नरेटेड बाय अनस बिन मलिक, अल्लाह अपोस्टल वाज ऑन अ जर्नी एंड हैड अ ब्लैक स्लेव कॉल्ड अंजाशा एंड ही वाज ड्राइविंग द कैमल्स वेरी फास्ट एंड देयर वाज वुमन राइडिंग ऑन दोस कैमल्स। अल्लाह अपोस्टल सेड वाइका मे अल्लाह बी मर्सीफुल टू यू ओ अंजा, ड्राइव स्लोली विद द ग्लास वेसल वुमेन। ये सही बुखारी में है। फिर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, सही बुखारी 7263, यहाँ पर भी ब्लैक स्लेव। तो ब्लैक इवन रेसिस कितना था ये इंसान। और एक्चुअली बहुत सारे हदीस में हम लोग मिलता है कि मोहम्मद वॉज अ वाइट प्रॉफिट, ही वॉज सो वाइट, ही वॉज सो वाइट, उनके उनके आर्मपिट वाइट था, उनका बॉडी वाइट था, उनका फॉरहेड वाइट था, सब कुछ इतना वाइट था एंड ही हैड ब्लैक स्लेव्स। तो ये कैसे आप कोइंसाइड करते हैं? फिर जो हम लोग पहले वो स्ट्रीम में बात कर रहे थे कि औरतों लोग के घर पे जाकर उनके हस्बैंड को, पापा को मार के उनको सेक्स स्लेव बनाना, दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू एनी लॉ इन द वर्ल्ड एवर एवर। इसीलिए ये बैंड हुआ है, इसीलिए ये बंद हुआ है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग का जो सोसाइटी है दैट गोज इन सेक्युलर मोरल, मतलब उस टाइम का मोरल क्या है, उस टाइम में क्या चीज राइट होना चाहिए। कानून काफी डिफरेंस होता है डिफरेंट एरा से, लेकिन ये जो चीज मोहम्मद ने की थी, दूसरे के घर पे जाकर लूट मचाते थे, रात को जब आदमी लोग सो के रहते थे तब घरों पे जाकर हमला करते थे, औरतें लोग को कैप्चर करते थे, सेक्स स्लेव में बेचते थे, करते थे खुद, ये सब कहीं से भी राइट नहीं है। और इसीलिए हम लोग का सोसाइटी इतना प्रोग्रेस होकर ये सब को बंद किए है। तो जब हम लोग ये सब चीज पे पाबंदी लगा दिए, बंद कर दिए, तो आप कैसे वो इंसान को परफेक्ट ह्यूमन फॉर ऑल मैनकाइंड फॉर इटर्निटी बोल सकते हैं? ही इज क्लियरली नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। कोई भी औरत जो मोमिन भाई का, तो मैं बात सुन के मैं अभी तक हिली हुई हूँ, कोई भी औरत अपनी मर्जी से स्लेव नहीं बनना चाहिएगी, दैट इज जस्ट अ फैक्ट। कोई भी औरत नहीं, कोई भी मर्द नहीं, कोई भी कभी भी स्लेव अपनी मर्जी से नहीं बनता है। अच्छा तंजीला जी, उस दिन असल में हमने एक पॉइंट रखना, मैं भी भूल गया और एडम को भी शायद याद नहीं आया कि मोमिन ने कहा था कि वो औरतें जो थी, वो महिला जो थी, वो जंग लड़ने के लिए आती थी, तो इसकी बुनियाद पे उनको तो सजा इस तरीके की मिलनी चाहिए थी, वो जस्टिफाई इस तरीके से कर रहे थे। तो हम ये उनसे पूछना भूल गए, और अगर वो सुन रहे हैं तो जरूर इस चीज का जवाब देना कि आयशा जो है वो भी अली के साथ जंग करने के लिए गई थी, दोनों में जंग हुई थी जिसको जंगे जमल कहते हैं, और आयशा हार गई थी। तो फिर इस हिसाब से, बल्कि वो तो सरदार थी उसकी जंग की, तो हाँ, तो इस हिसाब से आयशा को भी फिर बेचना चाहिए था इनको, यानी पहले तो बांटना चाहिए था, फिर सेक्स अलाउड होना चाहिए था आयशा के साथ, क्योंकि कुरान कहता है ना, इवन मारिया वाज अ गिफ्ट टू मोहम्मद। हाँ नहीं, वो तो छोड़ दो, मारिया का तो, वो तो मारिया वार से नहीं आई थी ना। हाँ, वार से नहीं आई थी, लेकिन जिस तरीके से मोमिन ने ये बात जस्टिफाई करने के लिए ये हवाला दिया था कि जो जंग में लड़ने आती थी उनको बनाया जाना ही चाहिए क्योंकि वो दुश्मन है, तो इस लिहाज से आयशा को भी बनाना चाहिए था कैदी, सेक्स स्लेव बनाना चाहिए था, उनके साथ भी वही हरकत करना चाहिए था, तो उसके बारे में ये
मोमिन लोग क्या जवाब देंगे। मैं चाहता हूं कि अगर कोई मोमिन है और वो इस बात को सुन रहा है तो इसका मुझे जवाब जरूर दे कि आयशा के साथ भी वैसे ही होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। जी आप कंटिन्यू करिए। तो हाँ, तो फिर नॉट ओनली वुमेन, अगर आप देखिए साहिल जी, उन्होंने बच्चे लड़के लोग के साथ भी बहुत कुछ किया। उन्होंने खुद के अपने नाती के साथ, नाती या नतनी क्या बोलते, नाती बोलते राइट, राइट, तो हुसैन, उनके साथ भी ये जो ये क्यों करेगा राइट, नवासे, नवासे बोलते हैं राइट राइट, नवासे, उसके साथ कोई क्यों करेगा ऐसे। वो अपने टंग उसके मुंह के अंदर घुसाते हैं और उसको सक करने लग जाते हैं। फॉर व्हाट, व्हाट इज द अल्लाह का क्या मैसेज था ये चीज करने के लिए, व्हाट वाज द रीजन टू डू इट। वो चीज भी आप सोचिए, एक बच्चे लड़के के ऊपर कितनी दर्दनाक चीज गुजरी है अगर कोई किसी ने वो एक्सपीरियंस किया है तो। तो यही सब बात थी साहिल जी इस्लाम में, जो मैं मोहम्मद का कैरेक्टर जब मैं जानने लग गई तो एवरीथिंग बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि ही वाज अ फॉल्स प्रॉफिट। वो कहीं तरीके से एक ट्रू नबी नहीं थे, अल्लाह के नबी तो थे ही नहीं, और कहीं भी तरीके से वो एक अच्छे इंसान तक नहीं थे।